कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है सिविल अस्पताल JSMO डॉक्टर दिलबर का। डॉक्टर दिलबर ने बताया कि इसके लिए आइसोलेशन बेड पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है सिविल अस्पताल JSMO डॉक्टर दिलबर का। डॉक्टर दिलबर ने बताया कि इसके लिए आइसोलेशन बार्ड पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। दिलबर ने बताया कि इस रोग से बचाव प्रसार हेतु कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं। ऐसे व्यक्ति जो पिछले 14 दिनों के दौरान चीन या कोरोना वायरस देशों की यात्रा की हो, उनमें लक्षण हो जैसे कि जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी हो, पे तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। अस्पताल में उस व्यक्ति का पूरा उपचार किया जाएगा। नूरपुर में एक ही व्यक्ति जो चीन से आया है, वह गनो का रहने वाला है। उसने बताया कि उसे लगभग 2 महीने हो गए हैं आए हुए और वो बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल में हम इस बीमारी के लिए हमने आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और इस रोग से बचाव तथा इसके प्रसार को रोकने हेतु निम्न सावधानियां हमारे यहाँ बरती जा रही हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 14 दिनों के दौरान चीन या कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की यात्रा की हो, उनमें हम निम्न में से एक अथवा एक से अधिक लक्षण हों, जैसे अचानक बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी, तत्काल टोल फ्री नंबर 104 पर सूचना देने के लिए बोला हुआ है और निकटवर्ती और हमारे हॉस्पिटल में इसकी पूरी उपचार किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, जैसे जिनके पास ये लक्षण पाए गए हैं, जैसे चीन से आने वाले के ऊपर 28 दिनों तक घर से बाहर अपना आवागमन यथासंभव सीमित रखें, उनको बता दिया गया है। यदि ऐसे व्यक्तियों में भारत में आने के 28 दिन के भीतर में उपरोक्त में से कोई भी लक्षण विकसित होते हैं तो हमने तत्काल जो हेल्पलाइन नंबर है 104 उस पर संपर्क करने के लिए बोला गया है। हमारे यहाँ एक ही चाइना से बंदा आया, वो गनो नाम गांव से है, मेरी कल ही उससे बात हुई है और उनने ये बताया गया है कि मैं आए हुए मुझे मैं 1 जनवरी को आया था, मेरे ऑलरेडी 28 दिन से ऊपर दिन हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं इंडिया आए हुए और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उसके परिवार में भी ऐसी कोई लक्षण नहीं है।